सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ 25 सितंबर को आपने वो ऐतिहासिक दिन बनाने का काम किया। वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा से इतिहास रहा है कि अपनी रैली का रिकॉर्ड इंडियन नेशनल की रैली को बनाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल के एक एक कार्यकर्ता को उसका श्रेय जाता है। खास तौर पे मैं महिला शक्ति का दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमने मैं हमेशा जहां पे भी जाती हूँ एक बात जरूर कहती हूँ कि हम बराबर की हिस्सेदारी मांगते हैं। हम कहते हैं कि पुरुषों के बराबर हमें हक चाहिए, लेकिन मैंने साथ साथ ये कहा कि हमें मेहनत भी फिर बराबर की करके देनी चाहिए। तो इसमें महिला शक्ति ने जो साथ निभाया उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मुख्य तौर पे मैं अभय सिंह जी चौटाला को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि ना केवल हरियाणा प्रदेश आज ये पुकार पुकार के कह रहे हैं कि आने वाले 2024 के मुख्यमंत्री अभय सिंह जी चौटाला होंगे, बल्कि मैं सालासर यात्रा पे गई थी तो गांव से निकलते हुए कई बुजुर्ग बैठे राजस्थान में, हमने उनसे चर्चा की, हमने कहा जी आपके यहाँ गवर्नमेंट कितना क्या काम कर रही है। बोले जी अच्छा कर रही है। मेरे साथ एक और बहन थी, उन्होंने कहा हरियाणा का काम जी बताओ क्या रहेगा। बोले हरियाणा में तो चौधरी देवीलाल पुकार पुकार के लोग कह रहे वो आएगा। फिर उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल जी के दो दल। बोले ना, बोले वो तो नकली है, असली तो अभय सिंह चौटाला है। इसी तरह हम आगे गए तो जगासनी गांव में किसी को पता चला, संघ में से किसी ने बता दिया कि उनके परिवार के सदस्य यात्रा पे हैं। वो आके मिले और मुझे अपने घर लेके गए। बोले बहन जी आप पैदल तो जरूर आए लेकिन आपको मेरा घर बिल्कुल पड़ोस में, मैं वहां गई। आप यकीन नहीं करेंगे, दिया जला रखा माता रानी क्या पूजा कर रहे और भाई साहब के लिए स्पेशल लिख रखा और मुझसे प्रार्थना की कि जिस दिन अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बने आप जगासरी गांव में लेके आए। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल लेके आऊंगी। बोले चौटाला साहब जब बने थे हमारे गांव आए थे तो अभय सिंह जी चौटाला को आप जरूर लेके आना और ये मैं आज लिख के देता हूँ 2024 में अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री हूँ। लोकदल का है ऐसा कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के पास नहीं है।
तो हमें खुद को साबित करने का बड़ा अच्छा समय आया है और हमारी परीक्षा आज इसे शुरू हो गई है। और आपसे प्रार्थना कहूंगी कि आप सब लोग दिन रात एक करके हमें आदमपुर को जीतना है। यही सब बातें कहूंगी, बाकी जो आदेश अभय सिंह जी चौटाला देंगे वो हमारे लिए, हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे और उनको ये कहीं पे भी नीचे देखने का या निराश होने का मौका नहीं देंगे। आप सब लोग आए, आपने मुझे बोलने का मौका